देखिए, ना भाजपा की जीत नजर आती है, ना ही अरविंद केजरीवाल की चुनौती नजर आती है। ये नरेंद्र मोदी का एक घटिया पॉलिटिक्स नजर आता है। अगर यहाँ दिल्ली में कुछ क्राइम होता है तो कौन जवाब दे है? गृह मंत्री जवाब दे हैं। आप मान लिया जाए उसके बारे में तो पब्लिक क्या कहेगी? अरविंद केजरीवाल को गाली देगी, ना कि नरेंद्र मोदी को। पूरी तरीके से केंद्र अपने हाथ में अगर ले लेगा सत्ता दिल्ली का, तो फिर यहाँ इलेक्शन करवाने का क्या फायदा? बंद करवा दो चुनाव यहाँ का, दिल्ली का। एलजी के अंतर्गत ही रहने दो तुम सारे चीज। गाली सुनेगा एलजी, सुनेगा गाली, सुनेगा गृहमंत्री, सुनेगा गाली, सुनेगा पीएम, सुनेगा। क्योंकि दिल्ली में ये पब्लिक का काम नहीं होने देना चाहते हैं, और दिल्ली को ये चाहते हैं कि नहीं मेरे अंडर रहे, क्योंकि ये सारे जगह से तो जीत जाते हैं ईवीएम घोटाला करके, और जब मतलब बारी आती है दिल्ली को तो मुंह की खानी पड़ती है इनको। तो इस वजह से कोई ना कोई तो पीछे का दरवाजा ही चुनेंगे ना। तक इस देश में अभी डी वाई चंद्रचूड़ की तरह जस्टिस हैं, तब तक पब्लिक को न्याय पे उम्मीद होना चाहिए। अगर रंजन गोगोई की तरह कोई जस्टिस आ जाए तो फिर उम्मीद इंसान को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनको तो देखेगी राम मंदिर में डिसीजन लिए जाकर के सरकार राज्यसभा का सांसद बना दिया उसको, मतलब अपना गरिमा तक गिरा दिए हैं जस्टिस। इस तरह का नहीं होना चाहिए। और मैं कानून बनते हैं बिगड़ते हैं, और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल लगातार जो है मेहनत कर रहे हैं दिल्ली में कि जैसे ही 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई तो अब केंद्र की सरकार यानी कि भाजपा सरकार को चुनौती देनी है। आपने देखा कि दिल्ली लोकपाल बिल जो है उस पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर क्यों भाजपा सरकार चाहती है कि सब कुछ दिल्ली का उनके हाथ में आ जाए। यानी कि आपने देखा कि बिल कैसे पास हुआ, किस तरीके से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी गई, और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और लगातार इस बात को कहते हैं कि ये गलत हुआ, हम सुप्रीम कोर्ट पहुँचेंगे, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर देंगे। वही बात कही यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने जो बात राहुल गांधी ने कही थी जब उनको सूरत गुजरात हाई कोर्ट से झटका लगा था, और राहुल गांधी जीतते हुए आपको नजर आए। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर लेने का प्रयास करेंगे कि जो बिल पास हुआ है जिस पर भाजपा की जीत हुई है, क्या अगर अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हैं तो क्या यहाँ पर उनको कुछ राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर राघव चड्ढा ने इस चीज़ को लेकर ऐलान कर दिया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ऋतिक सबिता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। दर्शकों, पहले आप इस प्रांगण को देख रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट है, और हमारे साथ सर मौजूद। सर, आपका नाम क्या है? राजन कुमार। राजन कुमार जी, आपसे जानना चाहता हूं कि जो लगातार एक चर्चा का विषय बन चुका है दिल्ली लोकपाल बिल, उसको आप कैसे देखते हैं? इसमें भाजपा की जीत नजर आती है और अरविंद केजरीवाल को चुनौती? नहीं, इसमें देखिए, ना भाजपा की जीत नजर आती है, ना ही अरविंद केजरीवाल की चुनौती नजर आती है। ये नरेंद्र मोदी का एक घटिया पॉलिटिक्स नजर आता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है सेपरेशन, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते नहीं, सेपरेशन कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर दिया गया है। सेपरेशन ऑफ पावर में जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और जो आपका एग्जीक्यूटिव जुडिशरी और लेजिस्लेचर, तीनों का अलग अलग अपना काम होता है, निर्धारित होता है। तो इस काम में जो है वो हस्तक्षेप कर रहे हैं, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है गवर्नर का पावर क्या होना चाहिए, मुख्यमंत्री का पावर क्या होना चाहिए, इस चीज़ का तो वो धज्जी उड़ा रहे हैं इस कानून को पास करवा करके। क्योंकि अगर मान लिया जाए यहाँ तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कौन होता है? मुख्यमंत्री कौन चुनते हैं? जनता चुनते हैं। अगर मान लिया जाए जनता का कोई बात नहीं मानता ऑफिसर, कोई ऑफिसर लाइबल नहीं है वो गवर्नमेंट के प्रति, तो वो फिर क्या काम करेंगे? मुख्यमंत्री का तो बात ही नहीं मानेंगे। अगर यहाँ दिल्ली में कुछ क्राइम होता है तो कौन जवाब दे है? गृह मंत्री जवाब दे हैं। आप मान लिया जाए उसके बारे में तो पब्लिक क्या कहेगी? अरविंद केजरीवाल को गाली देगी, ना कि नरेंद्र मोदी को। लेकिन एक्चुअली होता है क्या, पब्लिक उतना अवेयर नहीं है इन सब चीज़ों से, कौन किसके अंडर आता है। बस वो देखते हैं हाँ ये दिल्ली में किसका है सरकार, अरविंद केजरीवाल का। केजरीवाल ये बात लगातार कह रहे हैं कि कुछ कानून, कुछ पावर हमारे हाथों में होना चाहिए, पुलिस व्यवस्था को लेकर या तमाम व्यवस्थाएं जो हैं, आखिर वो हम क्यों एलजी को सौंपे या फिर केंद्र की सरकार को सौंपे, क्या उनका ये कहना सही है? क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, भाजपा कहती है कि आप मुख्यमंत्री के तौर पर ही ठीक है, ज़्यादा मत उड़ो। अच्छा, देखिए ये कह रहे हैं पुलिस वाले मतलब रहना चाहिए केंद्र के अंदर बीजेपी, और अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि नहीं मेरे अंडर, तो वो तो होना ही चाहिए। अगर मान लिया जाए कोई ऑफिसर है कुछ गलत करता है तो फिर कैसे कार्रवाई करेंगे? उसके लिए भी इनको कहाँ केंद्र को बोलना पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल को किनको बोलना पड़ेगा, केंद्र को ही बोलना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है बिल्कुल गलत बीजेपी कर रही है। कहना है कि उनका मुख्यमंत्री होना और ना होना बराबर ही है। हाँ हाँ हाँ, ये तो बराबर है, ये तो पावरलेस मुख्यमंत्री एक तरह से हो गए हैं, और ये बीजेपी कर दिया इनको पावरलेस। अच्छा, इतना ही है तो नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं दिल्ली में? वो अपने अंडर क्यों लेना चाह रहे हैं? सेंट्रल फोर्स तो उन्हीं के अंतर्गत है। किसके सेंट्रल फोर्स जितना है, आईपीएस है, आईएएस है, सब तो उन्हीं के अंतर्गत है। अगर मान लिया जाए ये गलत करेंगे तो वहाँ से ये डिसीजन नहीं देंगे कुछ भी। लेकिन पूरी तरीके से केंद्र अपने हाथ में अगर ले लेगा सत्ता दिल्ली का, तो फिर यहाँ इलेक्शन करवाने का क्या फायदा? बंद करवा दो चुनाव यहाँ का दिल्ली का।
एलजी के अंतर्गत ही रहने दो तुम सारे चीज। गाली सुनेगा एलजी सुनेगा, गाली सुनेगा गृहमंत्री सुनेगा, गाली सुनेगा पीएम सुनेगा, अरविंद केजरीवाल क्यों गाली सुनेगा? इसको हमें मान ले कि राजनीति का अखाड़ा है, क्योंकि ये जो लड़ाई है, भले वो बिल की बात करें, आप कुछ भी बात करें, ऐसा कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी की लड़ाई है, यानी कि कोई भी मुद्दा डालना है चुनाव के पहले, ये ठीक बात है? हाँ हाँ, एकदम सही है। ये लड़ाई जानबूझ के करवाई जा रही है बीजेपी के द्वारा, क्योंकि दिल्ली में ये पब्लिक का काम नहीं होने देना चाहते हैं, और दिल्ली को ये चाहते हैं कि नहीं मेरे अंडर है, क्योंकि ये सारे जगह से तो जीत जाते हैं ईवीएम घोटाला करके, और जब मतलब बारी आती है दिल्ली को तो मुंह की खानी पड़ती है इनको, तो इस वजह से कोई ना कोई तो पीछे का दरवाजा ही चुनेंगे ना। न्याय के मंदिर के जो है वो सुप्रीम कोर्ट, उसके आप लोगों को देवता कहा जाता है कि आप लोग देवता हो और सही बात रखते हो। सवाल मेरा ये है कि अरविंद केजरीवाल अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, याचिका दायर करते, तो क्या जीत होती नजर आएगी? क्योंकि राघव चड्ढा ने कल इस बात को कहा है, अरविंद केजरीवाल भी ये कह चुके हैं ये तानाशाही है, लोकतंत्र की हत्या है, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम लगातार गुहार करेंगे। जब तक इस देश में अभी डी वाई चंद्रचूड़ की तरह जस्टिस हैं, तब तक पब्लिक को न्याय पे उम्मीद होना चाहिए। अगर रंजन गोगोई की तरह कोई जस्टिस आ जाए तो फिर उम्मीद इंसान को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनको तो देखे ही राम मंदिर में डिसीजन लिए जाकर के सरकार राज्यसभा का सांसद बना दिया उसको, मतलब अपना गरिमा तक गिरा दिए हैं जस्टिस। इस तरह का नहीं होना चाहिए। और मैं एक अपील भी करना चाहता हूँ देश के न्यायालय से कि इस तरह का कम से कम कानून निर्देश करें कि कोई भी जज रिटायर होने के बाद कम से कम 10 साल तक पद पे वो किसी भी पद पे मतलब वो शासन न कर पाए। इससे क्या होगा, पॉलिटिक्स हावी नहीं होगा जुडिशरी में। वरना राजनेता आजकल क्या करते हैं, अपने लोग को बना दे रहे हैं, ASG बना दे रहे हैं, सब तो उन्हीं का है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसका है, उन्हीं का है, गवर्नमेंट का है, किसका पक्ष लेगा? जनता का थोड़ी पक्ष लेगा, वो तो गवर्नमेंट का ही पक्ष लेगा। सवाल तो आप कानून पर भी खड़े होते हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे गुजरात हाई कोर्ट, कुछ भी हो, ये कहीं ना कहीं अब बिक चुके हैं, तानाशाही इतनी बढ़ चुकी है कि खरीद फरोख्त की जा रही है, यानी कि सवाल इनडायरेक्टली या अप्रत्यक्ष रूप से आप लोगों पर भी खड़े हो रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं, क्या सरकार दबाव बना रही है? हाँ, ये बात बिल्कुल है, न्यायपालिका पे जो है सरकार दबाव बना रही है, हर तरीके से दबाव बना रही है। अगर मान लीजिए कहीं पैनल एडवोकेट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो उसमें वो अपने कार्यकर्ता को चुन लेते हैं, बीजेपी वाला अपना कार्यकर्ता घुसा लेगा तो वो क्या करेगा, किसका मांग करेगा? वो तो बीजेपी को प्रोटेक्ट ही करेगा ना, तो हर जगह तो उनके आदमी भरे पड़े हैं, तो क्या विश्वास करेगा व्यक्ति? लेकिन हाँ, कुछ पब्लिक ऐसे हैं या कुछ न्याय में भी ऐसे व्यक्ति हैं, जजेज हैं, जो एकदम संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं, उन्हीं के वजह से अभी ये कुछ बचा हुआ है देश, वरना तो इस देश का तो बंटाधारी कर दिए मोदी जी। अभी मैं ऑफ द कैमरा तमाम लोगों से बात कर रहा था, जान रहा था कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि 20-25 साल से केस पेंडिंग में हैं, लगातार आते हैं, सुनवाई नहीं होती है, या फिर कुछ कारण बता दीजिए, रीजन बता दिए जाते हैं। क्या आपको लगता है कि इनके साथ जो है नाइंसाफ़ी हो रही है? हाँ, ये चीज़ नाइंसाफ़ी हो रही है, इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए, जस्टिस साहब को भी ध्यान देना चाहिए, ऐसा कुछ नियम बनाएं कि उनका केस जो है जल्द, क्योंकि देखिए न्याय अगर मिले तो न्याय जल्दी मिले, ये नहीं कि 50 साल बाद न्याय मिले, तो उसको वी कैन नॉट से डैट जस्टिस इनजस्टिस हो जाएगा ना वो लोगों के साथ, तो ये चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, इस चीज़ को सुधार। शाहरुख खान, सलमान खान या किसी और का कमरा जो है बेटा हो, ये कह रहे हैं कि अगर किसी सेलिब्रिटी का या किसी नेता का बेटा हो तो इनका जो है चुनाव केस आ जाए और कल जीत जाते हैं। हाँ, एक एग्जांपल देता हूँ, आर भारत वाले अर्णव गोस्वामी थे ना, उनका एक दिन में केस सुन लिए जस्टिस साहब, और बहुत सारे पब्लिक रहते हैं उनका लिस्टेड ही नहीं करता है। ये सब चीज़ बंद होना चाहिए, इसका मैं विरोध करता हूँ, चाहे न्यायपालिका करे चाहे पॉलिटिशियन करे, इस चीज़ का जो चीज़ गलत है उस चीज़ का विरोध होना चाहिए। चंद्रचूड़ इस तमाम मुद्दों पर कब बातचीत करेंगे, क्योंकि वो न्याय के भगवान हैं, न्याय के मंदिर में जो है सुनवाई लेते हैं, कैसे आप देखते हैं कि कभी DY चंद्रचूड़ सामने आएंगे, इन बातों को रखेंगे? देखिए, जो जस्टिस बनते हैं उस पर कुछ फाउंडेशन रहता है, वो इस तरह आकर के खुले में नहीं कर सकते कुछ भी। हाँ, उनके पास अगर इस तरह का मैटर जाता है तो बिल्कुल इन सब चीज़ों पे जो है निर्णय लेंगे, एकदम 100% वो निर्णय लेंगे। अभी राहुल गांधी का जो है मुद्दा वो चर्चाओं का विषय था, जैसे उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म हुई थी, बहाल कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े मजाकिया अंदाज से जो कहा गया कि ये जो मामला था इसको इतना लंबा चौड़ा क्यों कर दिया गया, 5 मिनट का मामला था, सुलझ गया। अब राहुल गांधी संसद भी पहुंच गए, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आप क्या कुछ कहें, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री संसद नहीं पहुंच रहे हैं, सिर्फ 3 दिन का मानसून सत्र और बचा है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री को संसद में भरोसा रहेगा तभी तो, उनको तो भरोसा ही नहीं है, गलत करके चुनाव जीतते हैं, मीडिया को सारे को खरीद लिए हैं, देखते हैं आपको मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे मीडिया ऐसे हैं जो टीवी डिबेट, हाँ गोदी मीडिया, जो टीवी डिबेट पे हमेशा नरेंद्र मोदी का बखान करते रहते हैं, और वो जो है मैनुपलेट करते हैं, इन सब चीज़ों पे भी
न्यायपालिका को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा देखिए न्यूज़ चैनल पे हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अरे यार, कोई समाज का बहुत सारा मुद्दा है, आप उसको उठाइए। हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं, समाज को क्यों लड़ाते हैं? ये समाज बहुत ही मिन्नत से बना है, बहुत ही मेहनत से बना है। इस चीज़ को तोड़ने का प्रयास न करे कोई भी व्यक्ति। अगर ऐसा करता है तो न्यायपालिका को एक्शन लेना चाहिए, मीडिया वाले पे भी। कुछ एक केस भी गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उस पर कहा गया था कि इस पर जो मीडिया का ऐसे भी है, प्रोफेशनल इथिक्स है, आप लोगों का भी है। लेकिन वो तो आजकल तो हर जगह तो अपने देखते हैं, जब सरकार ही चल रहा है अपनी मनमर्जी तो मीडिया भी चल रही है अपनी मनमर्जी। अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि अगर राहुल सॉरी यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, अगर अरविंद केजरीवाल जो सुप्रीम कोर्ट में पहुँचते हैं, याचिका को दायर करते हैं, तो आप कितनी उम्मीद जता सकते हैं कि जो फैसला उनके पक्ष में आएगा? देखिए, ये तो फैसला तो पक्ष में आना चाहिए, क्योंकि ये गलत किए हैं। सेपरेशन ऑफ पावर का तो धज्जी उड़ा करके रख दिए हैं मोदी जी, और इस चीज़ को मतलब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन भी देखा जाए तो गलत है। ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन आपका बहुत सारा तरीका हो सकता है उसको कंट्रोल करने का। लेकिन आप अगर सारे ऑफिसर को आप कंट्रोल कर लेंगे तो फिर मुख्यमंत्री काम कैसे करेगा? कोई भी काम नहीं कर सकता। एक चपरासी का वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, एक आईएएस का क्यों बात मानेगा आईएएस उनका? सारे चीज़ के लिए तो उनको एलजी के पास जाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ सरकार चुनने से क्या फ़ायदा? बंद कर दीजिए चुनाव यहाँ, क्यों इतना जनता का पैसा आप खर्च करते हैं चुनाव में? तो ये राजन जी की आवाज़ थी सुप्रीम कोर्ट से, आपने सुनी, उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की, गोदी मीडिया पर भी सवाल खड़े किए। इसके साथ साथ ये बताया कि मीडिया किस तरीके से खरीद भी लिया गया। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल अगर सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हैं तो कैसे जो है उनके हिस्से में अनुपात समीकरण बन जाएंगे, ये भी बात बताई। इसके साथ साथ तमाम मुद्दे वो भी बताए जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, चाहे वो हिंसात्मक हो, चाहे तानाशाही की बात हो, चाहे लोकतंत्र की बात हो। अब देखना ये पड़ेगा कि राजन जी की बात को सुनने के बाद जनता क्या अब कुछ कहती है, और कैसे जो है ये दिल्ली लोकपाल बिल जो है इस पर बात रखती है, और अरविंद केजरीवाल के अगले कदम क्या होंगे इस पर भी जो है समय तय करेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। कैमरा सुमित के साथ रितिक सविता, सुप्रीम कोर्ट।